Vrikshaṁ Mūlabījaṁ Shakti Varnam Samhāraṁ. याला लंका, रामायण के जमाने में यह एक महानगर हुआ करता था। यही रावण की राजधानी भी थी। इन विशाल मूर्तियों से आज भी उसकी शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि इसी धरती के गर्भ में रावण का शक्ति बीज, उसकी हुकूमत का राज, उसका रुद्राक्ष छुपा हुआ है। चलो 1990 इतिहास में पहली बार एक इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट उस रुद्राक्ष की सच्चाई को ढूंढते हुए यहां तक पहुंची। पर उन्हें क्या पता था कि रावण के रुद्राक्ष ने अपना पहला गुलाम चुन लिया था, जिसका नाम था भूरिया। इधर क्या है? एक रात धरती के गर्भ से राक्षस देवता की मूर्ति निकली, हजारों साल पुरानी रामायण के जमाने की, जिसे लंका के महायुद्ध के बाद दफनाया गया था। मूर्ति मिलने के बाद भूरिया में अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वो रात के अंधेरे में मूर्ति को देखता रहता था। धीरे धीरे वो मूर्ति उसे ऐसे सुराग, ऐसे रास्ते दिखाने लगी जो भूरिया को छुपे हुए रुद्राक्ष तक पहुंचा सकती थी। और यहां से शुरू होती है भूरिया और रावण के रुद्राक्ष की अजीब दास्तान। रुद्राक्ष का लक्ष्य दुनिया में राक्षसों के राज्य को लौटाना, और उसके लिए जरूरी था भूरिया को एक जानवर जैसे इंसान की स्थिति से उठाकर महान राक्षस बनाना। कई साल गुजर गए इस काम में। इस तरह पत्थर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना चाहते हो तो तलवार उठाओ, काट दो सालों को। इस रुद्राक्ष के साथ 14 साल वनवास काटा है मैंने। बहुत तरपाया इसने मुझे, लेकिन बहुत सिखाया भी। अब वनवास खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन अब भी मैं अधूरा हूं। इस रुद्राक्ष की पूरी शक्ति मैं हासिल नहीं कर पाया। असल में मैं इसके काबिल नहीं था। देखो देखो, आज भी मुझे छूने नहीं देता। इसलिए मुझे एक भाई की जरूरत है, एक ऐसा भाई जो राक्षस बन के मेरे साथ साथ चले, जिसके पास ज्ञान हो, शक्ति हो, दिल का सच्चा हो, निस्वार्थ, और जो वक्त आने पर अपनी शक्ति आपके चरणों में छोड़ के खुद को कुर्बान कर दे, है ना लाली? यही तो राक्षस नीति है। भाई भाई की जान लेता है। ये दुनिया हजारों फरेबियों से भरी हुई है जो अपने आप को हाई प्रीस्ट, गुरु, शमन, स्वामी का दर्जा देते हैं। इन खोटे सिक्कों के ढेर से उस असली मोहरे को निकालना बहुत मुश्किल है। मैं और मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की टीम पूरी दुनिया घूम चुके हैं उस एक आदमी की खोज में जो शायद असली हो। कोई मिला? शायद। अजीब आदमी है, संस्कृत भी बोलता है और अंग्रेजी भी। दिन यहाँ गुजारता है और रात को किसी बार में बाउंसर का काम करता है।
इलाज के पैसे भी नहीं लेता। I like this man. Gayatri, heart rate rising, 64, 66, 70. Blood pressure is normal, 120/80. All systems stable. साधारण आदमी अपने ब्रेन को कभी 1% से ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन इस वक्त वरुण का ब्रेन 70% एक्टिव हो गया है। वरुण, ये मेरी रिसर्च का एक एक्सपेरिमेंट है। इस पागल को हम कुछ दिनों से स्टडी कर रहे हैं। इस पागल का तेजस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। फर्क सिर्फ एक ही है, इसका रेडिएशन काला है और तुम्हारा सफेद। देखो, अगर तुम इसका इलाज कर सकते हो तो मेरी रिसर्च सफल हो जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग। मैं कहाँ हूँ? ये हमारा घर है। तुम बेहोश हो गए थे इसलिए तुम्हें यहाँ ले आए। कितने देर से? दो दिन। दो दिन? लेकिन लेकिन वो मरीज का क्या हुआ? उस आदमी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो गया। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वो कभी सोता नहीं था और अब वो एक गहरी नींद में है। कंग्रेचुलेशंस वरुण, तुमने उसे ठीक कर दिया। कई सालों से वो यही शब्द दोहराता था। हमें लगता है इन शब्दों में और उसके पागलपन में कोई ना कोई कनेक्शन है। ये मंत्र ऋग साम यजुर अथर्व, इन चार वेदों में तो निश्चित नहीं है। तो फिर गायत्री, ये मेरे पिताजी हैं। But I need to know. मेरा शक सही निकला। अखंड पुराण में लिखा है कि राक्षस वेद के कई मंत्र राक से शुरू होते हैं। ये मंत्र वहीं से आया है। मगर ये राक्षस वेद है क्या? तो अपर युग के अंत में एक महायुद्ध हुआ जहां राक्षस और उनके वेद को धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। पता नहीं कैसे हजारों साल बाद त्रेत युग में राक्षस फिर आए। यू मीन रावण, द लास्ट राक्षस किंग? कहा जाता है कि रावण ने शिवजी की तपस्या की और उसे एक रुद्राक्ष मिला। रावण ने राक्षस वेद का सारांश उस रुद्राक्ष में बिठा दिया और उसे एक शक्ति बीज बना दिया। रावण को तो राम जी ने मार दिया, फिर उस रुद्राक्ष का क्या हुआ? Who knows? समझा गया कि लंका के साथ वो रुद्राक्ष भी अग्नि में जल गया। क्या तुम भूल गए कि आत्मा अमर है? मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। पिताजी, वरुण, 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 ये देखो, वरुण। Yeah.
याला कहाँ है? याला इंडिया में तो कहीं नहीं है. जस्ट वेट, आई विल चेक. याला इज इन श्रीलंका. जून सन 1991. आज अचानक हमारी खोज एक रोमांचक मुकाम पर आ पहुंची है. लगता है भारत की इतिहास और संस्कृति को एक नया मोड़ मिलेगा. यह रावण का रुद्राक्ष है, इसमें कोई शक नहीं. पुराणों के अनुसार इस पर तीन नए सर्वित चिन्ह हैं, शिवलिंग, त्रिशूल और संस्कृत का अक्षर रक्त. शांत हो जाओ. तुम हो कौन? उसकी परवाह मत करो. यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं. भूरिया था उसका नाम. बिहार का रहने वाला था. मजदूरों को किराए पर दिया करता था वो. अच्छी तरीके से जानता हूं मैं उसे. बड़े साहस से तुमने मुश्किलों का सामना किया. हनुमान जी का नाम लो, ये डर तुमसे हमेशा के लिए निकल जाएगा. क्या हुआ? जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो चुका है. तो फिर वो कहाँ गया? दुनिया में कहीं भी हो सकता है. बस इतना पता है कि 14 साल पहले वो यहाँ से चला गया, फिर वापस नहीं आया. यू मीन? आई मीन माई लॉर्ड, जब भाई भाई के प्यार को ठुकराता है, गद्दारी करता है. कानून की किताब मैंने सही, मगर रिश्तों की नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है. अरे, बहुत बड़ा गुनाह है. ये चैनल कैसे चेंज हो गया? जरूर मिलनी चाहिए. मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ. तुम्हारा नाम वरुण है ना? देखा कैसे पहचान लिया? यू घूर के क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पहचानोगे. कमोन वरुण, क्या हो रहा है? मुझे संदेशा भेज रहे हैं. संदेशा? लेकिन ये तो कोई टीवी प्रोग्राम है. उसे कैसे पता कि तुम कब कौन सा चैनल देख रहे हो? सब पता है उसे. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन पांच तत्वों से खेलना सीख लिया उसने. तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा, मैं तो मुंबई में हूँ. तुम कहाँ हो? मुझसे मिलना है तो मुंबई आ जाओ. हमें मुंबई जाना होगा. इस खेल में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है. पर वरुण, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा. नहीं वरुण, तुम्हारी जान खतरे में है. मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी. वरुण नाम का एक्सपेरिमेंट जो तुमने शुरू किया उसने सफल कर दिया. अब मैं भुरिया तक पहुंच गया हूं. ये जंग भुरिया और मेरे बीच में है, इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं. वरुण, इस नई दुन को तैयार किया मैंने एक नई युग के लिए. पसंद आया तुम्हें? मैं जानता हूं मुझे माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा. बाप का कातिल हो ना? ये सच है कि अब मैं मानव नहीं हूं. मेरा कण कण अब राक्षस बन चुका है. आज के बाद तुम मानव नहीं, राक्षस हो. बिल्कुल मेरी तरह.
इतनी सारी शक्ति, इतने सारे रूप, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है भुरिया। रामायण तुम याद करो, रावण के पास शक्ति होने पर भी ज्ञान ना था, सीता मां का अपहरण किया, अपनी मौत को बुला लिया। कितने प्यार से तुम्हें अपना भाई बनाया और उसके बदले में ये मौत। आखिर क्यों वरुण, आखिर क्यों? यही राक्षस की रीति है। वरुण, वरुण!